ये लेटर यूज डिपार्टमेंट की तरफ से है, बहुत ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूज भवन बी ब्लॉक जीपीओ 24/7/2019 की। इसमें मैंने चार क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था कि गिव्स रॉक्स ऑफ ओटीसी आयुर्वेदिक मेडिसिन कैटेगरीज लिस्ट विच कैन बी सोल्ड ओवर द काउंटर इन ए ग्रोसरी शॉप करियाने की दुकान पे और रिटेल शॉप ऑफ आयुर्वेदा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो इसका जवाब आया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स दे आर मेड इन हैव एक्सक्लूसिव रेगुलेटरी प्रोविजन ऑफ फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन सेक्शन 3A 3H 1 एंड सेक्शन 33B to 33O ऑफ एक्ट एक्सक्लूसिवली पर्टेन टू आयुष मेडिसिन एंड सिमिलरली रेगुलेटरी प्रोविंसेस फॉर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी ड्रग्स प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 151 to 169 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 वेयर इन मेंशन ऑफ ओटीसी वेयर इज मेंशन ऑफ ओटीसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इज नॉट अवेलेबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक की वो दवाएँ बताए ओटीसी कि जो किराने की दुकान ग्रॉसरी पे या रिटेल शॉप आयुर्वेदिक पे बेची जा सकती हैं। तो आगे उन्होंने मेरे को ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 जो तो आपके सामने है उसकी सेक्शन गिनाई और ये भी बता दिया कि हमारे यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए कि ओटीसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन। ओटीसी होती नहीं ऑन दी काउंटर्स, यानी कि जैसे एलोपैथी में मैंने पूछा था कि ओटीसी जो उसकी कोई डेफिनेशन है तो उन्होंने ना कर दी थी, तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है। नंबर टू जो चीज़ हमने पूछी है, गौर से देखते हैं अब कि उसमें हमने गिव नेम ऑफ स्टेट वेयर इज रिटेल और होल सेल ऑफ आयुर्वेदिक लाइसेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सेलिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन। हमें वो स्टेट बताइए या वो यूटी बताइए जहाँ पे रिटेल आयुर्वेदिक करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता हो। यहाँ जवाब दिया हुआ है साफ, एज ऑफ नाउ प्रोविजन फॉर सेल ऑफ लाइसेंस इन आयुर्वेदिक। स्पष्ट रूप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे साफ लिखा है आर नॉट प्रोवाइडेड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। एक्ट 1945 में सेल प्रोविजन का कोई जिक्र ही नहीं है, इसका मतलब कोई लाइसेंस ही नहीं चाहिए इसका रिटेल या होलसेल आयुर्वेदिक दवाई बेचने का। तभी तो पतंजलि वाले बेच रहे हैं, तो वहाँ पे चाहे किसी ने फार्मेसी की हो ना की हो वो खोल सकता है, इसका रेगुलेटरी बॉडी कुछ नहीं कहती उसमें। हाँ उसको ओपन अप कर देगी तो अलग बात है। दूसरा शेंशियर ड्रग्स की लिस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन की मैंने पूछी थी, उन्होंने कहा कि yush.government.in पे है। लास्ट मैंने पूछा था कि CMS कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज हर्बल रिकॉग्निशन आपके परव्यू में आता है या नहीं आता, तो उन्होंने चौथा क्वेश्चन के ऊपर नो लिखा है, नहीं आता। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल और हमारी वेबसाइट www.paramedicalindia.com। ऐसे ही हम आपकी सेवा में एजुकेशन हेल्थ रिलेटेड RTI लाते रहेंगे ताकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी रहे और हर बंदे को जानने का मौका भी मिले। लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट सरंद रोड कमल कॉलोनी।